इस मुदायरे में, क्योंकि मार्च जो हो रहा था ये बेसिकली हमारा तलबा यूनियन की बहाली के लिए हो रहा है। हम जानते हैं कि ये हमारा हक है कि तलबा यूनियन बहाल की जाए। इससे ये होगा कि पूरे मुल्क से स्टूडेंट सिलेक्शन में खड़े होंगे, वो अपनी जिम्मेदारियां लेंगे, वो इस एक्सपीरियंस से गुजरेंगे जिससे हम सियासत को सीख सकते हैं, जो की हमारे लिए जरूरी है। लेकिन हमें दूर रखा गया है, हम उसके लिए यहाँ पे आज खड़े हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारे दीगर डिपार्टमेंट शामिल है, जैसे ये महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ हुकूमत ने हमारी फीसों में भी इजाफा कर दिया है। सिंध यूनिवर्सिटी में तालिबात एमफिल और पीएचडी के एहतजाज कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की कोई नहीं सुन रही। ये इसी वजह से, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है ताकि एवाम में जाकर हम लोग अपनी बात कर सके, तो उसके लिए हम ये मार्च कर रहे हैं। और भी हमारे मुतालबात हैं जिनमें ये हमारी रिप्रेजेंटेशन कमेटियों में होनी चाहिए, जो पॉलिसी मेकिंग होती है यूनिवर्सिटी की, उसमें हम चाहते हैं कि तलबा को शामिल किया जाए ताकि हम अपने मुतालबात रख सकें, हम अपने इश्यूज को रख सकें। तो इसके लिए आज हम पूरे मुल्क में ये मार्च कर रहे हैं, लाहौर में हो रहा है, मुल्तान में हो रहा है, डीआई खान में हो रहा है, कराची में हो रहा है, और हमारा अब से हमारी ये जदोजहद का आगाज है। हम खामोश नहीं बैठेंगे, अब तलबा यूनियन बहाल होगी। तलबा यूनियन बहाल नहीं होती ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि तलबा यूनियन बहाल होगी। अगर नहीं होती तो उसके लिए हम लीगली कोई एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी तंजीम चलाइए, हम स्टडी सर्कल्स कर रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, अपने तय तो हम तालीम को फरोग देने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तलबा यूनियन वक्त की जरूरत है, तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारा हक है और हम बहाल करके रहेंगे। यही है कि बाहर की जाए, क्योंकि जब जुर्म होते हैं तलबा के खिलाफ, ये कि एक फीसों पे नॉर्मल किया है। हमारे समय से ये मसला है कि हमारे जो चीजें हैं फीसों से, ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है ना, तलबा के जो है ना वो रहा की जाए। आज की देखो आपके कहा सामने उनको जब उनके जुर्म से कहा जाता है, और हमारे मसले से यही है कि लोगों को और स्कूल को साथ में मतलब ये है कि और आप मसल आ जाए।